दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम लोग गरीब क्यों रहते हैं और बीमारी हम लोगों के घर में क्यों आती रहती है, तो वीडियो को बगैर भगाए हुए अंत तक देखिएगा तो समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, पूजा पाठ करवाने से क्या फायदा मिलता है, विस्तार से जाने, नहीं तो कभी घर में बरकत नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है घर में माता लक्ष्मी आती है दौड़ कर, इसीलिए पंडित जी से पूजा पाठ जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ करवाने से घर में माता लक्ष्मी जो है वो स्वयं आकर के निवास करती है और दुख दलिद्र जो है जितना भी वो घर से हमेशा के लिए भाग जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़ करके मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने घर में जरूर पूजा पाठ करवाइएगा और मेवा मिठान जितना भी जाचा सकती हो वो देवी दुर्गा को या भगवान को जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि लोग पूजा पाठ में लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं आने जाने में दूसरे जगह। अगर आप, छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी से करवाते हैं, तो कम पैसा में भी पूजा पाठ हो जाएगा और आपके घर से दुख दलिद्र हमेशा के लिए भाग जाएगा। इसलिए पंडित जी लोगों से हमेशा के लिए पूजा पाठ करवाते रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों पर भगवान के दिए हुए आशीर्वाद उन लोगों के कंठ पर बैठा हुआ होता है। सवाल नंबर 2, खाना के साथ कौन सा चीज खाने से लकवा की बीमारी शरीर में नहीं होती है। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है खाना में अगर आप लोग खाना के साथ हरा मिर्च एक टुकड़ा खाते हैं या एक भी खाइएगा तो आपके किसी प्रकार के पेट में गैस नहीं बनेगी और खाना भी पचेगा। दोस्तों, सवाल नंबर 3, मछली दही किस रोगी को नहीं खाना चाहिए भूल करके भी, इससे बीमारी होती है। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, चरक, मिर्गी वाले रोगियों को कभी भी भूल करके भी ये सब चीज जो है वो नहीं खाना चाहिए, दही, बैगन, कंदा, कोहरा, भूल करके भी। दोस्तों, सवाल नंबर 4, घर में रोज पूजा पाठ करने से क्या फायदा मिलता है हम लोगों को। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है घर में आने वाला काल की नष्ट होती है और घर में बरकत होती है और लक्ष्मी माता स्वयं आकर के घर में निवास करने लगती है। इसीलिए दोस्तों, रोज हर रोज नहा धोवा करके पूजा पाठ करना चाहिए। सवाल नंबर 5, किसके साथ हरदम हर वक्त रहना चाहिए। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी डायरेक्ट मिले। दोस्तों, इसका सही आंसर है पढ़े लिखे लोगों के साथ हर वक्त हर दम रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास में जो है वो पंडित, विद्वान या और लोगों से भी ज़्यादा उनके पास में दिमाग होती है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा के लिए पढ़े लिखे और शिक्षित परिवार के साथ हमेशा साथ व्यवहार जरूर रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।